फ्रूट गलत तरीके से खाते हैं, गलत, जिसकी वजह से वही फ्रूट जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं और बहुत ही आवश्यक हैं, सभी को फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन यही फ्रूट जो हमारी सेहत को अच्छा करते हैं, यही हमारी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। तो आज हम मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या होना चाहिए और सही समय क्या होना चाहिए फ्रूट खाने का। सबसे पहली गलती क्या करते हैं लोग, रात को लेट यानी कि सूर्य अस्त के बाद फ्रूट खाते हैं। फ्रूट के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है और बहुत सारी शुगर भी होती है। अगर आप रात को लेट खाएंगे तो उससे जो शुगर है वो आपके शुगर के लेवल्स को बढ़ा सकती है और जो फाइबर है उसकी वजह से आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको पचने में दिक्कत आएगी। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमें सूर्यास्त के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए और विज्ञान भी अब ये मानता है कि सूर्यास्त के बाद अगर आप फ्रूट खाएंगे तो यदि आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको नुकसान है, अगर आपको मोटापा है तब भी नुकसान है, और अगर अदरवाइज़ भी आपकी जो डाइजेशन है, जो आपका पाचन तंत्र है, उसको नुकसान करता है। दूसरा है, कई बार लोग क्या करते हैं फ्रूट्स को काट के पहले रख लेते हैं और उसके बाद काफ़ी देर के बाद खाते हैं। उसके दो नुकसान होते हैं। पहली बात तो यह है कि फ्रूट आजकल जैसे गर्मी का टाइम है, लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में जैसे काट के अपना फ्रूट जो है वो ले गए और उसके बाद लंच टाइम में 5-6 घंटे के बाद वो उस फ्रूट का सेवन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं, आपको कोई ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ लग सकती है जो एक जैसे इन्फेक्शन के साथ, और दूसरी बात है कि आपका जो जो फ्रूट है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी, जो पोषक तत्व हैं वो भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं जैसे आप उसको काट के रख लेंगे, ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा। तो जब भी आपको फ्रूट खाना हो उसको ताज़ा खाना चाहिए, कभी भी काट के नहीं खाना चाहिए। तीसरा, फ्रूट का कई बार हम जूस निकाल लेते हैं और हम सोचते हैं कि जूस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जूस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसका रेगुलर सेवन करेंगे तो फैटी लिवर होने का और डायबिटीज़ होने का ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। तो जूस निकालना क्यों नहीं चाहिए, हमें फ्रूट फ्रेश क्यों खाना चाहिए? एक तो पहली बात तो जैसे ही जूस निकालते हैं इसमें से बहुत सारे पोषक तत्व हैं, स्पेशली विटामिन सी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारी बॉडी को अवेलेबल नहीं होता। दूसरा, जो फ्रूट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो फाइबर, फाइबर निकल जाने की वजह से खाली ये शुगर का घोल बच जाता है जिसमें थोड़े से विटामिन रह जाते हैं, और ये जो है आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपके लिवर में जाके जो फ्रक्टोज इसके अंदर होता है वो मेटाबोलाइज होगा और आपको फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लिवर फैटी होगा तो आपको डायबिटीज़ होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा क्या होता है कि इससे एकदम से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं और उससे क्या होता है कि इंसुलिन बॉडी में बनती है जिसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगेगी। आप जूसेस पियेंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी। अब देखिए 3-4 मौसमियों में से जो जितना जूस निकलेगा वो आप एक मतलब 5-10 सेकंड में ही पी जाओगे, तो 3-4 मौसमियों में जितनी शुगर थी आपकी बॉडी में चली गई तो वो अंदर जाके आपको नुकसान करेगी। तो इसलिए जब भी खाना हो फ्रूट, आप कभी भी जूस मत पिए, उसको वैसे फ्रूट को फ्रेश खाएं। और अगर आप बाई चांस किसी के कारण, किसी को एज ज़्यादा है तो उसमें जो है वो फ्रूट जो है खा नहीं पाते, दांत ख़राब हैं, दांतों की वजह से नहीं खा पाते, तो आप इसकी स्मूदी बना के खा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जूस नहीं ले, क्योंकि स्मूदी पियेंगे तो उसमें आपको फाइबर भी साथ में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। चौथा जो है, कई बार लोग क्या करते हैं जैसे बनाना शेक बना के पी लिया, अब मैंगो शेक बना के पी लिया, तो ये जो चीज़ें हैं ये आयुर्वेद में बिल्कुल निषेध हैं। फ्रूट के साथ दूध का कोई भी मतलब इकट्ठे नहीं लेना चाहिए, और अगर आप दूध ले रहे हैं तो उससे फ्रूट का कम से कम 1 या 2 घंटे का गैप होना चाहिए ताकि दूध अलग से पचे और फ्रूट अलग से पचे। यदि फ्रूट और दूध आप इकट्ठा लेंगे तो आपकी जठर अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको वो ख़राब करेगा और आपकी जो चीज़ों को पचाने की जो क्षमता है पेट की उसको भी कम करेगा। पांचवा जो है, कई बार हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल रूटीन है कि पहले हम खाना खा लेते हैं उसके बाद फ्रूट खाते हैं। अगर खाना खाने के बाद फ्रूट खाएंगे तो 2 नुकसान होंगे। पहली बात तो यह है कि आप सपोज़ आप अपना वेट मैनेज कर रहे हो या आपको डायबिटीज़ है तो उसमें क्या है कि आपने खाना जब खा रहे हैं उस टाइम दिमाग में नहीं होता कि आपने बाद में फ्रूट भी खाना है, तो फ्रूट के लिए आप भूख नहीं रखते हो, तो जैसे ही आपने खाना खा लिया उसके बाद आप इमीडिएटली फ्रूट खाओगे तो वो एक तरह की ओवर ईटिंग हो जाएगी। दूसरा जो है, फ्रूट के अंदर जो फ्रूट हम मेन खाते हैं पोषक तत्वों के लिए, जो पोषक तत्व हैं वो खाने के साथ इंटरफियर करेंगे और प्रॉपर पचेगा नहीं। और तीसरा जो है, फ्रूट बनने होते हैं जल्दी जल्दी पचने के लिए, लेकिन जब खाना भी पेट के अंदर है आपने फ्रूट खा लिया तो वो पचने में उसके बाधा होगी, पेट में पड़ा जो फ्रूट है वो सड़ता रहेगा और फर्मेंटेशन होगी और आपको गैस और ब्लोटिंग, अफारा, ये सभी चीज़ों की प्रॉब्लम होगी अगर आप फ्रूट खाने के इमीडिएटली बाद खाते हो। तो आपको फ्रूट खाना कैसे चाहिए, फ्रूट खाने के
दो खाने के बीच में, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया सपोज 9 बजे और लंच किया 2 बजे, तो आप 11-12 बजे फ्रूट खा सकते हो, या शाम को 4, 4:30, 5 बजे सूर्यास्त से पहले फ्रूट वह खाने का। ये 2 टाइम है जब आपको फ्रूट खाएंगे तो आपको फ़ायदा भी देगा और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छठा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि आजकल हम क्या करते हैं, हम कई बार इंटरनेट पे देख लेते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो कीवीज़ बहुत बढ़िया होती हैं, या फ़लाँ चीज़ बहुत बढ़िया होती है, कोई और फ्रूट्स जो हैं एग्जॉटिक फ्रूट्स वो हम खाने लग जाते हैं, जो लोकली प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो हमारे यहाँ भारत में बनने वाले फ्रूट्स हैं, तो वो हम खाना छोड़ के महंगे इम्पोर्टेड फ्रूट्स खाने शुरू कर देते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप देखिए, फ्रूट जो है वो किसी 7 समुंदर पार किसी कंट्री से आ रहा है, तो उसको पहुंचने में यहाँ से यहाँ पे 15 से 20 दिन लगते हैं। तो इतनी देर तक उसको प्रिजर्व करने के लिए उनको अलग अलग तरीके से प्रिजर्वेटिव्स में रखा जाता है। ये एप्पल जो इम्पोर्टेड होते हैं उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जाती है ताकि वो एप्पल ख़राब ना हो। वो वैक्स आपकी बॉडी के अंदर जाता है, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट्स के ऊपर छिड़के जाते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। तो अगर आपको फ्रूट खाना है तो आपको लोकली प्रोड्यूस फ्रूट्स खाने चाहिए, इम्पोर्टेड फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।